मध्य प्रदेश के कैबिनेट ऊर्जा मंत्री अरुण सिंह तोमर अचानक से अपने निजी कार्य से इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर विद्युत मंडल के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान विद्युत कर्मचारियों के संघ द्वारा ऊर्जा मंत्री को फ्रंटलाइन वॉरियर्स सहित अन्य वैक्सीनेशन के लिए ज्ञापन सौंपा गया। मध्य प्रदेश सहित इंदौर में कोविड-19 महामारी को लेकर कई एसोसिएशन द्वारा लगातार सरकार से कई तरह की मांगे की जा रही हैं। इसी कड़ी में इंदौर के विद्युत मंडल कर्मचारी संघ द्वारा अरुण सिंह तोमर ऊर्जा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि उन्हें फ्रंटलाइन वॉरियर्स सहित वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाए। मंत्री जी को आज हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें कोई आर्थिक या किसी प्रकार की मांग नहीं की गई है, अपितु आप जानते हैं कि बिजली के कर्मचारी और अभियंता जो कि दिन रात 24 घंटे बिजली ना उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर मानकर वैक्सीनेशन या कोई व्यवस्था की गई है, तो माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने के लिए हमारे द्वारा उन्हें निवेदन किया गया है कि एमपीबी के अस्पताल है उन अस्पतालों का उन्नयन करके कोविड केयर सेंटर में कन्वर्ट करें। अभी पश्चिम क्षेत्र कंपनी में लगभग 140 हमारे बिजली के कर्मचारी और अभियंता, प्रदेश की बात करें तो 350 के करीब हमारे बिजली कर्मचारी और ये मृत हुए हैं, जबकि 2000 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं। वहीं दूसरी मात्र 3 कर्मचारी मृत हुए हैं। तो वैक्सीनेशन नहीं होने के कारण सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ बिजली कर्मियों को नुकसान हुआ है। माननीय मंत्री जी से कहा है कि शासन में मुख्यमंत्री जी की ओर ध्यान आकर्षण करके आंदोलन में कार्य बहिष्कार जैसा रहेगा, जिसमें कि बिजली कर्मी नौकरी पर आएंगे लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, तो उससे असुविधा होगी, उसके लिए शासन और प्रशासन ही जिम्मेदार रहेगा।